आज के दिन जो PUBG मोबाइल का रूनिक पावर मोड वाला इवेंट था वो जा चुका है। तो यार मेरे को तो सही लग रहा है, क्योंकि भाई वो जो इनविजिबल ड्राइवर वाला ग्लिच था, हर एक बंदा करके घूमता था और भाई पूरी लॉबी हैकर हो जाती थी। तो भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि एक गाड़ी के थ्रू करेंगे, मतलब कि जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे, मतलब गाड़ी वाड़ी भगा के कुदा उदा के जाएंगे, और जहाँ पे पहुँच जाते हैं वहाँ पर तो कुछ स्टाइल से जाने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाली ट्रिक करने के लिए आपको एक बग्गी या फिर एक बाइक की जरूरत पड़ने वाली है, और इस समय हम लोग हैं मिल्टा में। और भाई यहाँ पर ये टोल नाका देख लो, बस आपको यहाँ से बग्गी या फिर बाइक को भगा के लेके आना है, और ये जो सामने वाला रिज दिख रहा है ना, आपको बस इस पे से गाड़ी को जंप करवा देना है। लबो सिटी के बेटे बेटे अबे जो मौज कर दी, ए वाह मेरे वाह, रे शेर तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ये जो आप टंकी देख रहे हो आपको ये रोजॉक हिल पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इसके ऊपर चढ़ना है तो भाई आपको जरूरत पड़ने वाली है एक बाइक की। तो भाई अगर आपके पास बाइक है तो आप इस टंकी के ऊपर चढ़ सकते हो। तो भाई आप लोकेशन देख लो, मैं कहां से बाइक भगाते हुए लेके जा रहा हूं। तो भाई आपको बस ये पेड़ के सामने से बाइक भगाते हुए लेके जाना है, और टंकी के बिल्कुल सामने वाले रिज से जंप करवा देना है। लबो सिटी के बेटे बेटे अबे जो मौज कर दी, ए वाह मेरे वाह, रे शेर तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ये जो आपको चर्च दिख रहा है ये पोचिंगी का चर्च है। अगर आपको इसके टॉप पे चढ़ना है तो भाई आपको जरूरत पड़ने वाली है एक बाइक की, और देख लो भाई मैं कहां से बाइक को भगा के लेके जा रहा हूं, और भाई मैं कहां से जंप करवाऊंगा वो भी देख लो। तो भाई आपको बस एकदम सामने से इसके जंप करवा देना है। मिलिट्री बेस ब्रिज के बाजू में आप लोग ने एक लाइट हाउस तो जरूर देखा होगा। अगर आपको उसके ऊपर चढ़ना है तो भाई वहां पर आपको सीढ़ी वीढ़ी नहीं मिलेगी, आपको पड़ने वाली है एक बाइक की जरूरत। और यहाँ पर ये जो शैक दिख रहा है यहाँ से आपको बिल्कुल बाइक को भगाते हुए लेके जाना है, और जो लाइट हाउस के सामने रिच दिखेगा आपको बस उसके सामने से बाइक को जंप करवा देना है। लबो सिटी के बेटे बेटे अबे जो मौज कर दी, ए वाह मेरे वाह, रे शेर तुम तो भाई। ये वाला जो आपको रिच दिख रहा है ना, ये आपको मेंशन में दिख जाएगा, और भाई यहाँ से आप कोई भी गाड़ी उड़ा सकते हो, और भाई ये बच्चा बच्चा कर सकता है, ठीक है। और जो सामने वाला एक स्क्वाड हाउस है हम लोग उसके ऊपर जाने वाले हैं। लबो सिटी के बेटे बेटे अबे जो मौज कर दी, ए वाह मेरे वाह, रे शेर तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो भाई अगर आपको बाइक की हेल्प से ब्रिज पे चढ़ना है तो देख लो मैं कहाँ पे हूँ। सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, देख लो मेरी लोकेशन कहाँ पे। और भाई जो ये वाली ट्रिक है ना, ये सबसे आसान लगी है मेरे को ब्रिज पे चढ़ने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ से, बस बाइक को भगाते हुए लेके आना है, और भाई सही टाइम पे एग्जिट कर देना है। लबो सिटी के बेटे बेटे अबे जो मौज कर दी, ए वाह मेरे वाह, रे शेर तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। आप अगर गाड़ी को फनी तरीके से चलाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक बग्गी या फिर एक बाइक ले लेना है, और उसे वॉल के पास लगा देना है, और वॉल पे खड़े होके आपको जंप प्लस पंच प्लस ड्राइव दबाना है। जैसे ही आप ड्राइव दबाओगे, लबो सिटी के बेटे बेटे अबे जो मौज कर दी, ए वाह मेरे वाह, रे शेर तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अगर भाई आप गाड़ी को चलाते चलाते इमोट करना चाहते हो, मतलब कि डांस करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस गाड़ी के बाजू में खड़े होकर एक इमोट कर देना है। इमोट करने के बाद आपको अपने रिसेंट टैब में आ जाना है। रिसेंट टैब में आने के बाद आपको 5 सेकंड्स वेट करना है। 5 सेकंड वेट करने के बाद वापस गेम में घुसना है और ड्राइव पर क्लिक कर देना है। लबो सिटी के बेटे बेटे अबे जो मौज कर दी, ए वाह मेरे वाह, रे शेर तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। भाई आपने ऐसी बड़ी वाली बिल्डिंग तो बहुत सारी देखी होगी। अगर आपको इसके ऊपर बग्गी को चलाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस बड़ी वाली बिल्डिंग का एक गेट ओपन कर लेना है, और उसके बाद पीछे साइड से बग्गी को भगाते ले आना है। लबो सिटी के बेटे बेटे अबे जो मौज कर दी, ए वाह मेरे वाह, रे शेर तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई।
तो भाई चेयर पार्क में जो क्रश आइलैंड है वो पूरा का पूरा पानी में है। अगर वहां पर आप कोई भी एक गाड़ी लेके जाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो आपको दो पेड़ दिख रहे हैं बस उसके बिल्कुल पीछे साइड से बाइक या फिर कोई भी गाड़ी को भगाते हुए लेके आना है, और जो ये छोटा सा रिच दिख रहा है यहाँ से आपको जंप करवा देना है। लबो सिटी के बेटे बेटे ना बेटे मौज कर दी। ए वाह मेरे वाह, रे शेर तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो भाई इसके लिए सबसे पहले मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैंने इस वीडियो में पुरानी टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर करा। तो भाई सीन ये था ना कि रूनिक पावर में भाई इतनी दुनिया भर की टिप्स एंड ट्रिक्स आ गई थी और भाई सब ग्लिच करके घूम रहे थे, और मैं ये रूनिक पावर को अब कवर करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये पुरानी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी, मतलब कि एक बार याद दिला दिया कि भाई ये सब भी है। तो यार फाइनली ये रूनिक पावर मोड वाला इवेंट खत्म हो गया, तो अच्छी बात है खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड एनिवर्सरी कल है तो फिर कुछ नया इवेंट आएगा तो आप लोग को बताऊंगा उसके बारे में, उसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। और आप लोग मिथ्स लिख देना और फिर हम लोग उस मिथ्स को भी ट्राई करेंगे। और ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। और मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।